हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम जो आजकल जो बिगनर फिल्म मेकर्स हैं और जो ब्लॉगिंग करते हैं उनको फेस करनी पड़ती है कि उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो उनके लिए कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट रहेगा। तो आज मैं सेंसर की बात करूँगा, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के कैमरे हैं, चाहे आप निकॉन में जाएं, चाहे आप कैनन में जाएं, चाहे सोनी में जाएं। ये तीन बहुत बड़ी कंपनी है, वैसे तो फ्यूजी भी है, बहुत कुछ है, कोटैक भी है, पैनासोनिक भी है, लेकिन मैं आज इन तीन के बारे में बात करूँगा। तो आज मैं निकॉन के थ्रू आपको ये बताऊँगा कि जो बेसिकली जो सेंसर है कैमरे का वो कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी फिल्म मेकर के लिए और किसी भी सिनेमेटोग्राफर और जो भी आजकल यूट्यूब में ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए। यहाँ पे आज मैं निकॉन के दो कैमरे को, दो टाइप के कैमरे को ही मैं आज यहाँ पे कंपेयर करूँगा। निकॉन Z5 जो कि हमारा फुल फ्रेम कैमरा है, और फिर है निकॉन Z30, ये हमारा क्रॉप फ्रेम कैमरा है। यहाँ पे देखिए, क्रॉप फ्रेम और फुल फ्रेम कैमरे में जो मेन जो डिफरेंस है या जो ये बोला जाता है वो उसके फ्रेम को बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका सेंसर है अंदर, ये जो ब्लू कलर का, इसको ही हम लोग फ्रेम बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमारी इमेज बनती है वो इस सेंसर में बनती है। तो यही सेंसर है जो हमारी इमेज की क्वालिटी को अच्छा या ख़राब करता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंसर का अच्छा होना ही हमारे जो इमेज की क्वालिटी है उसको अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो निकॉन का हमारा फुल फ्रेम कैमरा है, इसका सेंसर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा भी है, और ये आपको पूरा बेस्ट क्वालिटी का रिज़ल्ट देगा। देन इसी के कंपैरिजन में एक लो बजट कैमरा हम लोगों को मिलता है इसी का, क्योंकि देखिए ये कंपनी है, इनको हर टाइप के कस्टमर को के लिए कुछ ना कुछ अच्छा देना है। तो ये जो इनका जो लोअर वर्जन है इससे Z30 जो कि अभी का है, ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है। इन दोनों का जो सेंसर का साइज़ है इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं। देखिए, आज मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जो कि मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसका नाम है DP Review। इसमें आपको कैमरे के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप हर चीज़ कंपेयर कर सकते हो। तो क्योंकि मैं आज निकॉन पे फोकस कर रहा हूँ, तो मैं कैमरे में आप निकॉन पे जाइए और मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो कैमरे हैं इनमें आप देख सकते हैं निकॉन का Z6 वर्ज़न आया है, जो ये फुल फ्रेम कैमरा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ फुल फ्रेम, और देन 2000T में ये एक निकॉन का Z8, ये अगेन फुल फ्रेम कैमरा है। तो आप देख सकते हैं एक ये कैमरा निकाला था Z30 जो कि मैंने यहाँ पे इमेज में रखा हुआ है, इसका जो सेंसर है देख सकते हैं APS-C है, तो ये क्रॉप फ्रेम सेंसर है। देखिए, आप एक चीज़ को समझने जाएंगे आपको दो तीन चीज़ें और नहीं मिलेंगी, इसीलिए आपको अगर इस फील्ड में आना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम लोग सेंसर की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर सेट इस पे क्लिक करता हूँ इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन, तो हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे इसका सेंसर का साइज़ कितना है। तो आप देख सकते हैं इमेज, और यहाँ पे देख सकते हैं सेंसर साइज़ इसका है APS-C क्रॉप सेंसर, और ये 23 and 15 mm का जो इसका टोटल सेंसर का साइज़ है। तो यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ये समझना है ये क्रॉप सेंसर है, और इसका जो टाइप है CMOS है। देखिए, CCD और CMOS सेंसर दो अलग अलग तरह के सेंसर होते हैं, तो क्योंकि आजकल हमारे पास मिररलेस कैमरे भी आ गए हैं। CMOS और CCD के बारे में हम लोग किसी और ट्यूटोरियल में बात करेंगे, अभी हमारा मेन फोकस है सेंसर पे। तो आप देख सकते हैं सेंसर साइज, देन हमारे पास जो एक हमारा निकॉन Z5 है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, निकॉन Z5। तो आप देख सकते हैं कि एक फुल फ्रेम सेंसर का कैमरा है, और मैं इसका भी आपको स्पेसिफिकेशन मैं देखना चाहूँगा। तो देखिए, हर चीज़ इस वेबसाइट में मिल जाती है, और आप सारे अब दो कैमरे को उसका कलर बैलेंस कितना है सब कुछ। अब देखिए, सेंसर इसका CMOS है लेकिन फुल फ्रेम है, और इसका जो सेंसर का साइज़ है वो बड़ा हो गया।
तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि दोनों के जो सेंसर साइज़ हैं वो बड़े हैं, यानी एक में ज़्यादा पिक्सल्स मिलेंगे हम लोग को सेंसर में, एक में थोड़े कम पिक्सल्स मिल रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ एक साइमेंटेनियसली एक चीज़ चल रही थी, क्योंकि कैमरे में तो सिर्फ सेंसर होता है, उसको कैप्चर तो लेंस करता है। हम लोग कैमरे के बॉडी में ये आप देख सकते हैं, सिर्फ बॉडी, इसके ऊपर हम लोग लेंस लगाते हैं। तो यानी अगर आपको इसको समझना है तो आपको लेंसेस को भी समझना पड़ेगा। तो अगर दो तरह के कैमरे हैं तो फिर दो तरह के लेंसेज भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल फ्रेम कैमरा एंड देन क्रॉप फ्रेम कैमरा, तो इसके लेंसेज भी उसी हिसाब से आएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब सेंसर को समझने के बाद हम ये देख लेते हैं कि सेंसर के टाइप क्या हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह के सेंसर साइज, APS-C क्रॉप सेंसर मैंने आपको दिखा दिया, ये छोटा होता है, थोड़ा सा क्रॉप होता है, इसी को हम लोग हाफ फ्रेम कैमरा बोलते हैं, थोड़ा सा लो बजट कैमरा होता है, थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और देन आप देख सकते हैं जो बड़ा सेंसर है, ये सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्वालिटी के लिए। और एक इसका और जो प्रॉब्लम है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी अगर आप ये कैमरे को अगर लेते हैं। देन उसके बाद जो और अलग अलग टाइप के कैनन के, ये कैनन के कैमरे के सेंसर्स हैं, तो अलग अलग छोटे जो कैमरे आते थे पहले उनके भी सेंसर बहुत छोटे होते थे। तो सेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंसर के बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ लेंसेस की। तो देखिए लेंस जिस तरह का भी आप कैमरा ले रहे हो, आपको लेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड जो कैप्चर करेगा वो यही लेंस करेगा। हाँ, इससे जो भी कैप्चर होगा वो उसकी इमेज जो भी आप लेना चाह रहे हो वो इम्पोज हो गया आपके सेंसर में। तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं लेंसेज में DX और FX दो तरह की कैटेगरी आती है। यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंसेज हैं वो DX हैं, यानी क्रॉप सेंसर लेंसेज हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज फोकस क्रॉप सेंसर में कर रहा हूँ, क्योंकि फुल फ्रेम कैमरे के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होता है, लेकिन क्रॉप फ्रेम जो भी लेते, क्योंकि इनिशियल जो भी स्टार्ट करता है वो क्रॉप फ्रेम से करता है। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ उन लोगों को कि आप अगर कोई भी क्रॉप फ्रेम कैमरा ले रहे हो तो ये इतने टाइप के आपको लेंसेज मिलते हैं। और आप देख सकते हो कोई 85mm का है, कोई 35mm का है, जूम लेंसेज भी हैं, प्राइम लेंसेज भी हैं, या आप टेलीस्कोप लेंसेज, जो भी लेंस आप यूज़ करोगे, अगर आपका जो कैमरा है वो क्रॉप फ्रेम है तो इन लेंसेज के साथ, चाहे वो निकॉन के लेंसेज हों, चाहे वो आपके कैनन हों, चाहे वो सोनी हों, इनके साथ एक क्रॉप फैक्टर भी इंक्लूड होता है। अभी क्रॉप फैक्टर को समझने के लिए हम लोगों को चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप फैक्टर को समझने के लिए मैं आज कुछ एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कंपनीज के जो APS-C लेंसेज हैं उनमें कितने तरह के क्रॉप फैक्टर यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ किसी भी फुल फ्रेम कैमरे की, तो जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उसमें जो क्रॉप फैक्टर होता है वो 1x का होता है। 1x का क्या मतलब है कि सपोज़ अगर मैंने 35mm का लेंस लगाया है तो उसमें क्रॉप फैक्टर 1 लगेगा। तो मींस जो 35mm का जो एंगल ऑफ व्यू होगा वो सेम होगा फुल फ्रेम कैमरे में। तो ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी लेंस हम लोग इसमें लगाते हैं उसमें क्रॉप फैक्टर 1 ही होता है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता। तो 1 का मतलब है कि सपोज़ मैंने अगर 15mm का लेंस लगाया इनटू 1 तो 15mm ही मिलेगा मुझे, पूरा एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। लेकिन सपोज़ अगर मैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं APS-C, तो ये एक हाफ फ्रेम कैमरा है। अब अगर ये निकॉन है तो 1.5x का क्रॉप फैक्टर लगेगा, और अगर ये कैनन है तो 1.6x का फैक्टर लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने क्रॉप फ्रेम कैमरे में, आप देख सकते हैं कि अगर मैंने क्रॉप फ्रेम कैमरे में 35mm का कोई भी लेंस लगाया इनटू 1.5, ये मैं आपको निकॉन का बता रहा हूँ, तो वो 35 का जो लेंस लगा हुआ है जो मुझे एक एंगल ऑफ व्यू देने वाला था वो बेसिकली अब 35 नहीं रह गया, वो 52mm का लेंस हो चुका है, क्योंकि उसमें 1.5 एक्स का क्या लग चुका है, क्रॉप फैक्टर लग चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, वो बोल देते हैं क्रॉप कैमरा ये पूरा क्यों नहीं आ रहा है, मैं किसी लैंडस्केप की फ़ोटो लेने गया और सारे जितने भी वहाँ पे वैलीज़ हैं वो पूरी क्यों नहीं आ पा रही, क्यों? उसका रीज़न ये है,
बहुत सारे लोग बोलते सर मैंने तो 15 mm का लेंस लगाया लेकिन ये उतना अच्छा काम क्यों नहीं कर रहा। 15 mm में 1.6 अगर कैनन में लगाया आपने तो 15 mm 24 mm हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको क्रॉप सेंसर कैमरे में मिलेगा जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता। तो यहाँ से आपका जो फुल फ्रेम कैमरा है और जो क्रॉप फ्रेम कैमरा वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि आप जो भी लेंस इसमें लगा रहे हो, सपोज़ मैं 50 mm का लेंस लगाता हूँ इनटू और मैंने वो कैनन लगाया तो 1.6 का उसमें क्रॉप फैक्टर लग गया तो वो 80 mm का लेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। अब बात आ रही है अगर ये हो रहा है तो मुझे क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखेंगे कि सपोज़ आप अपना कैमरा होल्ड करके बैठे हो और आप किसी लैंडस्केप में हो और वहाँ पे आपने एक फुल फ्रेम कैमरे से एक क्लिक ली और वहाँ पे आपको ये एक बहुत अच्छी फ़ोटो मिली जिसमें आप पूरी चीज़ें कैप्चर कर सकते हो। और ये जो आपने इसमें लेंस लगाया हुआ है ये 35 mm का है, तो 35 mm के हिसाब से आपको एक पूरा अच्छा व्यू मिला क्योंकि ये फुल फ्रेम है, इसमें कोई भी क्रॉप फैक्टर यूज़ नहीं हुआ तो पूरा जैसा आप चाह रहे थे वैसा मिला आपको। लेकिन सपोज़ अगर यही चीज़ 35 mm का जो लेंस था, यही चीज़ अगर मैं 35 mm का देख रहे मुझे एंगल ऑफ व्यू कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो लेकिन अगर मैंने ये 35 mm का लेंस को मान लीजिए क्रॉप सेंसर कैमरे में लगाया 1.5, तो आप देख सकते हैं 52 हो गया। तो यहाँ पे आप ये डिफरेंस देखेंगे, मैं अब इस लेंस को क्या कर दे रहा हूँ, 50 mm कर दे रहा हूँ। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो इतना जो व्यू आपको फुल कैमरे में मिल रहा था वो अब क्रॉप सेंसर में नहीं मिल रहा और ये थोड़ा सा जूम हो गया है और आप उतना अच्छा वाइड, जबकि आपने एक बहुत अच्छा वाइड एंगल लेंस लगा रखा है लेकिन क्रॉप फैक्टर के चक्कर में ये अब उतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये है सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक क्रॉप सेंसर कैमरे में। हाँ अब बात आ रही है इसका, इसको किस तरह से टैकल करेंगे। आपको थोड़ा सा, आपको पूरा कैप्चर करने के लिए अपनी जो पोजीशनिंग है और पीछे करनी पड़ेगी। तो हाँ आपको अब अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप मैक्सिमम ले पाएँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है उतना एडजस्ट करने के बाद भी उतना अच्छा व्यू नहीं आ पाता। हाँ अब इसमें APS-C है तो APS-H भी है, तो APS-H कैटेगरी में अगर आप जाते तो थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा व्यू मिल जाता है, लेकिन जो मेन व्यू आपको चाहिए जो जिससे आप बेसिकली एक अच्छा कैप्चर कर सकें वो आपको 35 mm में ही मिलेगा क्योंकि इसका एंगल ऑफ व्यू कम है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसमें आफ्टर इफेक्ट में कैमरे का सेटिंग दी हुई है, ये पूरी आपके DSLR सेटिंग के हिसाब से है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपने कैमरे के mm कम करता हूँ तो मेरा एंगल ऑफ व्यू देखिए कितना अच्छा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब मैं और भी चीज़ें कैप्चर कर सकता हूँ। लेकिन डिस्टॉर्शन भी आता है, ये एक अलग टॉपिक है बाद में समझेंगे, लेकिन 24 mm में और अच्छा व्यू मुझे मिलता है। जिस जैसे जैसे मैं अपना प्रीसेट बढ़ा रहा हूँ या लेंसेज को बढ़ा रहा हूँ मैं उतना जूम होता चला जाता हूँ। इसी को बोलते हैं कि आप देख सकते हैं क्लोजअप्स के लिए मैं 70-200 जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 70-200 से आप बहुत दूर से इसको कैप्चर कर सकते हो क्योंकि आपने क्या है अपने लेंस को का जो mm है वो इंक्रीज़ कर दिया है, तो आपका एंगल ऑफ व्यू देखिए सिर्फ 10 रह गया। तो जितना कम mm का लेंस उतना ज़्यादा एंगल ऑफ व्यू आपको मिलता है। लेकिन हाँ क्रॉप सेंसर में अगर आप आएंगे तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है आपको समझ में आ ही रहा होगा, उसके साथ क्रॉप फैक्टर भी है। मैं लेंस तो मैंने 50 mm या 25 mm का ही लगाया, मान लीजिए 50 mm का लेंस लगाया, अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन अगर मैंने ये 50 mm क्रॉप सेंसर में लगाया है और मैं निकॉन यूज़ कर रहा हूँ तो 50 × 1.5 तो ये 75 mm का हो गया। तो 75 mm के हिसाब से फिर ये और जूम हो जाएगा। तो ये सेम चीज़ इमेजेस में भी है और ये सेम चीज़ आपका वीडियोस में भी है, चाहे आप ये भी एक पिक लें अगर आप ये फुल फ्रेम से ले रहे हैं तो देखिए कितना अच्छा वाइड मिल रहा है। लेकिन अगेन अगर जैसे ही मैंने हाफ फ्रेम APS-C लिया तो यही जो व्यू है वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और जूम हो जाएगा और मैं पूरा कैप्चर नहीं कर सकता, इतना जो हिस्सा है वो आपका क्रॉप हो जाएगा, यही क्रॉप सेंसर होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सपोज़ अगर मैंने फुल फ्रेम कैमरे से ये कैनन से
या निकॉन से ली है, तो आप देख सकते हैं कितना पूरा अच्छा व्यू है, 35 mm का कैमरा लगा हुआ है, बहुत अच्छा जूम कर रहे हैं। लेकिन अगर यही मैं क्रॉप से करूँगा तो ये इतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा जूम हो जाऊँगा अंदर की तरफ। हाँ, अब यहाँ पे आपको अब पोजीशनिंग बहुत पीछे करनी पड़ेगी ताकि आप और वाइड ले सको, लेकिन फिर ये करेक्टर जो हैं आपके जितने भी काउज हैं वो थोड़ी सी और दूर हो जाएंगी, इनकी डिटेलिंग मिस हो जाएगी, तो हमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और नो डाउट क्वालिटी तो एक ड्रॉबैक है ही आपके हाफ फ्रेम कैमरे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय श्री राम।